वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट सिक्स। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट सिक्स। आज का टॉपिक है हम लोग का फॉसिल फ्यूल और जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को ही हम इंजन क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं या फिर थर्मल एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग का हेडिंग है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जीवाश्म ईंधन क्या है, या फिर इंग्लिश में इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं तो फॉसिल फ्यूल या फॉसिल ईंधन क्या है, और उसमें ऊर्जा या फिर थर्मल एनर्जी क्या है। ठीक है, तीनों एक ही का नाम, लेकिन तो समझ लेते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन से क्या मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले किसी घटना के कारण, उथल पुथल के कारण जो जीव थे, पेड़ पौधे थे, पृथ्वी के अंदर जो है दब गए, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो है वो पेट्रोलियम में और कोयलों में परिवर्तित हो गए, जिनका आज के समय में हम लोग प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। तो ऐसे ईंधन जो जीवाश्म से बने हैं, यानी कि पेड़ पौधे तथा जानवरों और ह्यूमन के पृथ्वी में मिल जाने से हजारों सालों बाद जो है, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण क्या हुआ है, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उन्हें का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ईंधनों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को उसमें ताप को क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं या फिर थर्मल एनर्जी कहते हैं। जब इसका हम लोग दहन करते हैं तो उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लिया। आइए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है और कैसे इसको हम लोग एग्जाम में लिख करके आएंगे। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या बताया गया है, यहाँ देखिए, यह वह ईंधन है जो भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो अनंत काल पहले जैविक पदार्थों जैसे वनस्पतियों जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने तथा उच्च ताप, यहाँ पे उच्च होगा, उच्च ताप व दाब के अंतर्गत कोयला, तेल, गैस आदि में परिवर्तित हो गए। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल सेल, पेट्रोलियम, तार सेड तथा प्राकृतिक गैस आदि हैं। इनको उसमें ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, उसमें ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जीवाश्म ईंधन के बारे में। आगे देखिए, ये सभी ईंधन अपने गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। ये सभी जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कह रहे हैं, पेट्रोलियम हो गया, चाहे जो है आपका गैस हो गया, ये सब जो है आपस में परस्पर भिन्नता रखते हैं। गुणों में क्या रखते हैं, भिन्नता, एक दूसरे से भिन्न है, परंतु सभी के संगठन में कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व होते हैं। लेकिन सब में क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन तत्व होते हैं। इन ईंधनों को कोयला इन ईंधनों को कोयला जो है भूमि के अंदर अंदर खानों से, पेट्रोलियम तेल कुओं से तथा गैस गैस कुओं से प्राप्त किया जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि जो भी ईंधन प्राप्त होते हैं उनके गुण जो होते हैं उनके परस्पर भिन्न होते हैं, लेकिन उसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, और कोयले को कोयले के खदानों से, और पेट्रोलियम को पेट्रोलियम के कुएं से, और गैस को गैस के कुएं से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाना जीवाश्म ईंधन के बारे में कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये चीज आपको लिख करके आना है। अब देखते हैं उपयोगिता के बारे में, जीवाश्म ईंधन की क्या उपयोगिता है इसके बारे में। देखिए, फॉसिल ईंधनों यानी कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग संसार में बहुत मात्रा में हो रहा है। वायुयान, रेल इंजन, ट्रक, मोटर, स्कूटर, विद्युत जनित ऊष्मा शक्ति प्लांट आदि में फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का ही प्रयोग हो रहा है। घरों में खाना पकाने में भी फॉसिल फ्यूल का प्रयोग हो रहा है। घरों में खाना पकाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन का ही प्रयोग करते हैं, चाहे लकड़ी, चाहे कोयला, चाहे गैस जो हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या है, फॉसिल फ्यूल ही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में उपयोगिता, भारत में स्पेशल क्या उपयोगिता है इसका, भारत में कोयले के प्रचुर भंडार होने के कारण
तापी शक्ति संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट का विशेष महत्व है। भारत में लगभग जो बिजली बनती है थर्मल पावर प्लांट से, लगभग 70% बिजली जो है थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है। कोयले को जला करके जो है उसमें उत्पन्न करके, उसे पानी गर्म करके भाप बना के टर्बाइन चला के तब जाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। आगे बताया गया है भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। कोयले के जहाँ यहाँ पर क्या है खजाने हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो है हम लोग जो है जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका हेडिंग होगा यहाँ पे, इतने हेडिंग नीचे दिया गया है, इसे समझते हैं, शक्ति प्राप्त करने की विधि। ठीक ना, यहाँ लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन से शक्ति प्राप्त करने की विधि। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोयले का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, कोयले का सप्लाई है, यहाँ पर कोल सप्लाई लिखा गया, कोयले की सप्लाई है, कोयला जो है इधर से आता है और कहाँ जाता है, भट्टी में। बॉयलर का मतलब क्या होता है, भट्टी, भट्टी में जाता है, भट्टी में बहुत तेजी से आग जलती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पानी आ रहा है जो किस इसमें मोटी मोटी इसमें ट्यूब आ रही है, इन ट्यूब में क्या है पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, ये डायरेक्ट जो है पाइप जो है कांटेक्ट में आ रहा है आग के, और तुरंत जो है पानी जो है गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया स्टीम लाइन, ठीक है, तो भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, और तुरंत ही जो है जब भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा और गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, यहाँ से बहुत तेजी से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है भाप जो है जाएगा टर्बाइन पे, यहाँ पे टर्बाइन पे बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ब्लेड लगे होंगे। तो ये ब्लेड क्या करेगा, टर्बाइन जब तेजी से इस पे पड़ेगा भाप, तो ये टर्बाइन क्या करने लगेगा, ये घूमने लगेगा, ठीक है, बहुत तेज से रोटेट करेगा। जब घूमेगा तो एक टर्बाइन कैसा होता है, एक शाफ्ट होगा, इस शाफ्ट पे ब्लेडें लगी होती हैं, ठीक है, ब्लेडें लगी होती हैं, तो ब्लेड क्या करने लगेंगी, घूमने लगेंगी। जब ब्लेड घूमेगा तो ये शाफ्ट भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, जिसपे एक ब्लेड कसी रहेगी ये भी रोटेट करेगा। और इसी के आगे क्या करते हैं, जनरेटर लगा देते हैं। देखिए इसी के आगे इसी शाफ्ट से जनरेटर जोड़ दिया गया है, ठीक है, टर्बाइन घूमेगा तो जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा, तो जनरेटर चलेगा, जब जनरेटर चलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, निकल करके आ रही है, ट्रांसफार्मर जा रहा है, ट्रांसफार्मर से आगे सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और बाकी जो स्टीम बना हुआ है, जहाँ टर्बाइन को चलाने के बाद से जो स्टीम बना हुआ है, इस स्टीम को क्या कर रहा है, कंडेंस कर दे रहा है। कंडेंस करने का मतलब क्या था, कंडेंसर का प्रयोग करके कंडेंस कर दे रहा है, यानी भाप को फिर से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो वाटर में, जल में परिवर्तित कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर से पानी को जो है इसी पाइपलाइन में भेज दे रहे हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, और जो है हमारा जनरेटर चलता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम आपको एग्जाम में बना करके नहीं आना है, ये बस आपको समझने के लिए था, जो बनाना है वो नीचे है, ये डायग्राम जो है सिंपल डायग्राम जो है आपको बना करके आना है, ठीक है, इसको भी एक बार समझ लीजिए। इसमें क्या है, देखिए ये बॉयलर है, बॉयलर में क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन को हम लोग डाल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में क्या डालते हैं, कोयला डालते हैं, क्या डालते हैं, कोयला को यूज करते हैं यहाँ पे, तो जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला को डालते हैं। तो बॉयलर में क्या हो रहा है, यहाँ बॉयलर में ऊपर वाटर होता है, और वाटर क्या होता है, कन्वर्ट होता है स्टीम में, तो स्टीम में यहाँ पर निकल रहा है भाप, निकल रहा है भाप, जाकर के टर्बाइन को चला रहा है, ठीक है, टर्बाइन को चला रहा है। तो टर्बाइन का शाफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, जनरेटर से जुड़ा हुआ है, विद्युत जनरेटर से जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ये जो है विद्युत जनरेटर चल रहा है और विद्युत शक्ति प्राप्त हो रहा है। फिर से जो भाप काम कर चुका है वो कंडेंसर में आ रहा है, कंडेंस होने के बाद से फिर जल में बनने के बाद से पंप से फिर से बॉयलर में भेज देगा, तो ये साइकिल बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा। यहाँ पे एक बात और समझिए, जो जीवाश्म है, जीवाश्म की जो रासायनिक ऊर्जा है, जीवाश्म में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, जब उसको जलाया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो हमारा हीट ऊर्जा में बदल जा रहा है, हीट मतलब की थर्मल एनर्जी में, ठीक है, उष्मा ऊर्जा में, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। अब वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर पानी को गर्म कर रहा है,
स्टीम एनर्जी में है, फिर भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्टीम एनर्जी में भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर भाप क्या कर टरबाइन चला रहा है, तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, कौन सी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे हमको, यांत्रिक एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है हमें, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या कर रहा है, जनरेटर चला रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि कोयले की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी स्टीम एनर्जी में, स्टीम एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हो जा रहा है क्या, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आपको लिख करके आ रहा है। ठीक ना, तो इस फिगर को बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, एक दो बार खींच लीजिएगा रफ कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की विधि। जैसे ही पूछेगा जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन के बारे में आप बताएंगे, उसके बाद से शक्ति उत्पन्न करने की विधि चाहे पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन आपको उसी के साथ जोड़ करके शक्ति प्राप्त करने की विधि भी बता देना है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखना है, लिखना है फॉसिल ईंधन यानी कि जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप उसमें निहित रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन ही तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी कहलाता है। यह दहन बॉयलर या भट्टी में किया जाता है। इस तापीय ऊर्जा को किसी उपयुक्त माध्यम यानी कि भाप के माध्यम से इसकी सहायता से टरबाइन चलाकर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर इसका प्रयोग करके यानी यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत जनरेटर चलाकर विद्युत शक्ति प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं, और ये हो गया फिगर। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा जीवाश्म ईंधन के बारे में, तो आप इसको लिख करके जरूर से आइएगा, फिगर का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, जिससे हमने पढ़ाया है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर अपडेट और PDF आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।